Before that, as usual, if you a small request, who have not subscribed to my channel, please subscribe so that you never miss my updates and you will be the first viewer of my uploads. Click the like button, press the bell icon, share it with your friends and relatives. Come on, let us see the beautiful verses of the most famous, great, evergreen poet, immortal poet Mirza Ghalib. चुनिंदा शेर लेट इज है पोइट इंट्रोडक्शन असदुल्ला खान यानि मिर्जा गालिब उर्दू कवियों में अत्यंत प्रमुख कवि हैं असदुल्ला खान हिज बर्थ नेम द नेम विच वॉज गिवेन बाय देर हिज पेरेंट असदुल्ला खान वॉज मोस्ट पॉपुलर वेरी फेमस इन द पोट्स ऑफ उर्दू

लेटर एन विथ हीज इमेजिनरी पावर रीजनिंग पवर लाइफ एक्सपीरियंसिस ही टुक द ट्रेडिशन फॉर्व अंतरतम विचारों को बाहर लाकर उन्हें कविता का रूप देने में गालिब जी बड़े लोकप्रिय हो गए ही बिकम वेरी फेमस मोस्ट फे पॉपुलर बाई एक्सप्रेसिंग हीज इनर फीलिंग्स इनर इमोशंस इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री शेर लिखने में वे बेजोड़ हैं इन राइटिंग द टू लाइन्स पोएट्री ही इज मैचलेस नो वन कैन राइट एज गुड एज द ग्रेट पोएट मिर्जा खालिद सच्चे इमार्टल मोस्ट फेमस पोएट इज मिर्जा खालिब चुनिंदा शेर के जरिए गालिब जी दो, दो पंक्तियों के मुक्त लिखे जो कम शब्दों में अधिक अर्थ समझाने में समर्थ हैं ही इज ए वेरी टैलेंटेड इन राइटिंग द कपलेट्स इन द लिमिटेड बोर्ड्स ही एक्सप्रेस द एनामरस मीनिंग दस ही बिकेम में मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड फेमस पर्सन पोएट नाउ वी आर कमिंग टू सी द इज ए Mirza Ghalib born in the year 1797 in Nagra, died 1869 in Delhi. He he born in very belted family. Uh, he was very proud of his uh, family actually. Um, but the unfortunate is there, the misfortunate of him is that his father died when he was five years old, and uh, his paternal uncle took his uh, he uh, done his uh, brought up. But the, uh, there also the bad luck is that he too died when the poet was at the age of nine. Then his uh, the poet maternal grandparents done everything to him education, brought up everything done by his maternal grandparents. Now let us see now Sher. The first one is Bas ki Dushwar difficult. Dushwar means difficult. Hai हर काम का आसा होना इट इज़ नॉट ईजी टू अकम्प्लीट एनी वर्क वंस इट इज स्टार्टेड आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना एवरी ह्यूमन बींग टू बिकेम ए गुड बॉइस एंड जेंटलमैन इट इज़ नॉट ईजी दैट इज़ वाट सेड इन दिस कपलेट

कि क्या है व्हाट इज़ देर शबे गम दैट मीन्स सैड नाइट बुरी बला है वेरी हारीबल सैड नाइट इज वेरी हॉरीबल वेरी बैड मुझे क्या बुरा था मरना मुझे टू मी क्या बुरा था व्हाट इज रॉन्ग था मरना टू डाई व्हाट इज रॉन्ग इन डाइंग अगर एक बार होता इफ इट इज़ वन टाइम That means whom shall I tell that sorrowful or the sad night is very horrible. It is not bad to die if it is one time. That means a person who is in grief, in sorrow, dies many times. That is what said in the in this couplet. Now we are coming to see the third one. Hui muddat. That means muddat means long time. Hui muddat मर गया दैट मीन्स डाइड ए लॉन्ग हिमसेल्फ टेलिंग हिमसेल्फ दैट आई डाइड लॉन्ग दट पर याद आता है बट इट कम्स टू रिमेंबर वह हर बात दैट एवरी वर्ड पर कहना कि यूं होता तो क्या होता वो हर बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता

अनदर हार्ट टू दैम जो ना दे मुझको जुबा और हो गट दे आर वेरी फुलिश दे कॉन्ट अंडरस्टैंड मई बोर्ड्स सो प्लीज गिव दम अनदर हार्ट सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द हार्ट वाट दे हव इज़ इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड मई फीलिंग्स सो गिव अनादर हार्ट सो दैट दे कैन अंडर्स्टैंड मई बोर्ड्स आर एल्स गिव मी द लैंग्वेज दट लैंग्वेज बई बीच ऐ कैन अंडर्स्टैंड दैम Then by which I can make them understand that is what said in this couplet fourth couplet. Now we are coming to see the fifth couplet is sadhagi. Is sadhagi means simplicity. Pe kaun na marjaye. Who will not die in this simplicity? Ayakoda. O oh God who will not die on this simplicity? दैट मीन्स लेडी लो प्र हैं सारी लड़ते हैं लड़ते हैं लड़ते हैं देट मीन्स फाइटिंग और हाथ में तलवार भी नहीं दे आर फाइटिंग बट दे डोंट हैव स्पर्ड इन देर हार हैंड्स दैट मीन्स हु विल नई आन दिसिटी आन दूम्स ऑफ द

बाई बोरिंग द मनी लेकिन समझते थे कि हाँ बट अंडरस्टैंडिंग दैट रंग लावेगी दट हमारी खाफा मस्ती एक दिन दैट मीन्स इन लाइफ लॉन्ग ही ईज टू कंज्यूम द वाइन बाई बोरिंग द मनी एट ही हैज़ वन वन थिंग इन द माइंड दैट एट एनी टाइम वन आ द टाइम मई Adversity can do the miracles. That is what said in this couplet. Till now we have seen the six couplets. There are still couplets we will see in the next video. Suppose if you are satisfied with my explanation, don't forget to subscribe my channel. Click the like button, press the bell icon, share with the friends and relatives. Till the next upload, take care of yourself. Have a nice time. Bye bye, Jai Hind. Allah Hafiz.